चलो भाई, तो शुरुआत करते हैं हम लोग ना। हम बेसिकली एक एक चीज को, कंसेप्ट को यहां पर क्लियर करते हुए चलेंगे और साथ में रिवीजन भी करते हुए चलेंगे, ठीक है। जहां पर डाउट आएगा आप मुझसे पूछते जाना, हैंड रेज करके आपके पास ऑप्शन होगा, ठीक है। तुम्हारे पास चैप्टर का नाम है यहाँ पर सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशंस से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है ना। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे कि भाई सॉल्यूशन का मेरे पास इंट्रोडक्शन क्या है, सॉल्यूशंस होते क्या है, ठीक है। हम डेली लाइफ के अंदर देखते हैं अपने सॉल्यूशंस को कहीं ना कहीं पे, ठीक है। जैसे आप वाटर, एक ग्लास पानी ले रहे हो, ठीक है, उसके अंदर आप क्या डाल रहे हो, सॉल्ट डाल रहे हो, ठीक है ना। तो जो आपके पास पानी है वहां पर, जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, उसको हम लोग बोलते हैं सॉल्वेंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हो क्लियरली ना कि भाई मेरे पास ये क्या था, वॉटर आपके पास प्रेजेंट था, वॉटर के अंदर आपने क्या किया, बाहर से आपने सॉल्ट ऐड कर दिया। सॉल्ट ऐड करने से क्या हो गया, जब आपने इन दोनों को अच्छे से मिक्स किया होगा तो आपके पास क्या बन गया होगा, यहाँ पर एक सॉल्ट सॉल्यूशन रेडी हो गया। क्या रेडी हो गया आपके पास, सॉल्ट सॉल्यूशन आपके पास रेडी हो गया। इसी तरीके से आप देखो, यहाँ पर आपके पास शुगर थी, शुगर को आपने वॉटर के अंदर ऐड किया हुआ था और हीट कर रहे हो आप, तो आपके पास क्या हो रहा है, एक शुगर सॉल्यूशन ऐड हो रही है। यहाँ पर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, एक एयर दूसरी एयर से मिल रही है, मतलब ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रही होगी और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होंगी, तो बहुत सारी गैसेस एक दूसरे के साथ क्या कर रही हैं, कंबाइन कर रही हैं। तो ये भी मेरे पास एक टाइप का क्या है, सॉल्यूशन है। तो जब भी एक चीज दूसरे चीज के साथ ऐड होती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, टूथपेस्ट नॉर्मल सी बात, आप लोग देखते हो तो उसके अंदर अलग अलग आपको कलर दिखाई दे रहे होते हैं, और भी बहुत सारी चीजें वहां पर क्या होती है, प्रेजेंट होती है इंजेक्शन के अंदर। और आपके पास जो, अगर आपके पास एक ये जैसे म्यूजिकल डिवाइस मैंने फोटो में दिखाया हुआ है, तो उसके अंदर भी क्या है, वो जो बना होगा तो किसी ना किसी एलॉय से बना होगा, ठीक है ना। उसके अंदर और भी बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होंगी, ब्रास प्रेजेंट होगा, आयरन प्रेजेंट होगा, इन सबके कॉम्बिनेशन से जाके मेरे पास ये फाइनली प्रिपेयर होता है, ठीक है ना। ये उन सबसे मिलाने के बाद मेरे पास बनता है, ठीक है ना। तो देखो, शुगर सॉल्यूशन मैंने आपको बताया, ब्रास मैंने आपको बताया, ठीक है ना। तो मैं अगर आपसे जानना चाहूं कि ब्रास मेरे पास एक सॉल्यूशन है, तो आप कहोगे हाँ बिल्कुल, क्योंकि दो या दो से ज्यादा मेटल्स को जब एक दूसरे के साथ कंबाइन किया जाता है तब मेरे पास क्या बनता है, ब्रास बनता है, क्योंकि ये एक एलॉय है, ठीक है ना। एयर की बात मैंने अभी की, एयर के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ऑक्सीजन होगी, ठीक है। तो उन सबको जब हम लोग ऐड करेंगे तो भी वो भी मेरे पास क्या होगा, एक सॉल्यूशन ही होगा, ठीक है। तो ये तीनों ही मेरे पास एग्जाम्पल है, किसके, सॉल्यूशन के एग्जाम्पल है, ठीक है। अब भाई सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। तो सॉल्यूशन की बात करें हम लोग, तो अपने पास सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है दो या दो से ज्यादा चीजों का। हम क्या करेंगे, दो चीजें लेंगे, उन दोनों को एक दूसरे के साथ क्या करेंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, ठीक है। एग्जाम्पल लेके दिखाता हूं मैं आपको। जैसे अभी अभी हमने किया था, एक बीकर लिया था, ठीक है ना, बीकर के अंदर हमने वाटर प्रेजेंट था अपने पास, ठीक है। वाटर के अंदर मैंने क्या किया था, बाहर से सॉल्ट को ऐड कर दिया था। तो बाहर से जैसे मैंने सॉल्ट को ऐड किया उसके अंदर, तो क्या हो गया, फाइनली दोनों को मिक्स करने पर मेरे पास एक क्या बन गया, एक सॉल्ट सॉल्यूशन रेडी हो गया। एक सॉल्ट सॉल्यूशन क्या हो गया मेरे पास, रेडी हो गया, ठीक है। सॉल्ट सॉल्यूशन कैसे, अगर आप इसको ऊपर से पियोगे तो भी आपको सॉल्ट ही लगेगा, बीच का पार्ट भी अगर आप एक स्ट्रॉ डाल रहे हो ऊपर से पियोगे तो भी सॉल्ट है, अगर ये स्ट्रॉ यहां तक पहुंचती है तो भी सॉल्ट ही लगेगा, नीचे से पियोगे तो भी कैसा लगेगा, ये सॉल्ट ही लगेगा जब आप उसको एक अच्छे से मिक्स कर दोगे। तो इस टाइप के मिक्सचर को बोला जाता है होमोजीनियस मिक्सचर, कि जैसी इसकी यूनिफॉर्मिटी ऊपर है वैसी ही बीच में होगी, वैसी नीचे होगी, पूरे जगह पे टेस्ट कैसा होगा, एक जैसा ही होगा। आप एक एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हम शिकंजी बनाते हैं नींबू का पानी ना, तो अगर हम लोग पूरा, जब मैंने उसको रेडी कर लिया है, वाटर लिया, उसमें शुगर डाला, सॉल्ट डाला, लेमन जूस डाला, सब कुछ मिक्स कर लिया, तो आप ऊपर से पियो या नीचे से पियो,
जी ना, जब आप पूरा जूस पीते हो तो आपको एक जैसे ही टेस्ट का लगता है, ऐसा नहीं होता कि ऊपर ज्यादा मीठा है, बीच में खट्टा है, नीचे आपके पास नमकीन है, ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो एक क्या होता है मेरे पास, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो ये बात करें आपके पास द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कॉम्पोनेंट्स, टू कॉम्पोनेंट्स। अब ये कॉम्पोनेंट की बात करेंगे, ये दो कॉम्पोनेंट क्या होते हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो, एक तो मेरे पास क्या था, वॉटर था, जो कि मैंने ज्यादा क्वांटिटी में लिया था, तो इसको बोलते हैं हम लोग सॉल्वेंट। जो भी चीज आपके पास ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो सॉल्वेंट होती है, और जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है दैट इज, जैसे मैंने यहाँ पर सॉल्ट मिलाया था, इट इज नोन एज सॉल्यूट। तो मेरे सॉल्यूशन जो है वो दो या दो से ज्यादा चीजों से मिलके बना होता है, ठीक है ना। तो जो चीज कम अमाउंट में होती है वो सॉल्यूट, और जो ज्यादा अमाउंट में होती है वो सॉल्वेंट है। अब आपको पता है सॉल्ट के साथ में यहाँ पर और भी बहुत सारी चीजें डाल सकता हूँ, इसके अंदर शुगर भी डाल सकता हूँ, तो ये एक और कंपोनेंट हो गया, बट इसका अमाउंट कम होगा तो ये भी मेरे पास क्या है, सॉल्यूट है। इसलिए लिखा है टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, ठीक है ना। दो तो होंगे ही, एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट तो होगा ही, हो सकता है सॉल्यूट मेरे और भी हो, ठीक है ना, सॉल्यूट मेरे और भी हो, तो ऐसा बिल्कुल चांसेस है यहाँ पर होने के, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने यहाँ पर देख ली, आगे बढ़ते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर मैंने आपको अभी बताया गया, ठीक है ना, ये होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन है ये। अब कि आपका जो कॉम्पोजिशन है वो थ्रू आउट द मिक्सचर कैसा होगा, सेम ही रहेगा, ठीक है। जो भी मैंने आपको बताया वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, देखो, ठीक है। कॉम्पोजिशन एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, एग्जाम्पल के लिए इन्होंने वही लिया है कि आपने वॉटर लिया, उसके अंदर शुगर डाल दी, फिर आप पूरा जो ये शुगर सॉल्यूशन है आप कहीं से भी करोगे तो उसका टेस्ट क्या होगा, एवरी ड्रॉप इज सेम, ठीक है ना, पूरी उसके ड्रॉप की कैसे होंगे, आप कहीं से पियोगे आपको वो मीठा ही लगने वाला है। तो ये क्या होता है मेरे पास, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, क्या होता है मेरे पास, ये एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कंपोनेंट्स दो होते हैं, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स हैं मेरे पास, एक का नाम है सॉल्यूट और दूसरे का नाम है मेरे पास सॉल्वेंट। तो जिसका अमाउंट कम होगा, जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा मेरे पास, ठीक है ना, लेस अमाउंट में, वो तो मेरे पास सॉल्यूट होता है, और जिसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है, मोर अमाउंट में जो प्रेजेंट होता है, उसको क्या मैं बोलता हूँ, सॉल्वेंट बोलता हूँ, ठीक है। द कॉम्पोनेंट विच इज प्रेजेंट इन स्मॉलर क्वांटिटी इज सॉल्यूट एंड द कॉम्पोनेंट प्रेजेंट इन द लार्जर क्वांटिटी इज सॉल्वेंट। अब देखो कैसे पता चलेगा कि भाई मेरे पास कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट होगा, आप खुद ही सोचो। मैंने एक सॉल्यूशन लिया है, ठीक है ना, जिसके अंदर मैंने 5 ग्राम 5 ग्राम सॉल्ट मिलाया और 1000 ml मेरे पास क्या वाटर है। मुझे पता है डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी होती है, 1 ग्राम पर ml होती है, ठीक है ना। तो अगर वो 1000 ml उसका वॉल्यूम है तो उसका मास भी कितना होगा, मेरे पास 1000 ही होगा। तो 1000 ग्राम वॉटर के अंदर आप 5 ग्राम सॉल्ट मिला रहे हो, तो आप देखो कौन ज्यादा अमाउंट है, वॉटर ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, क्योंकि 1000 ग्राम्स है, इसका मास ज्यादा है, तो ये मेरे पास क्या होगा, आपका सॉल्वेंट होगा, क्योंकि इसका अमाउंट ज्यादा है, और वो सॉल्ट को हमने कम अमाउंट में लिया, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, आपके पास सॉल्यूट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सॉल्ट आपके और सॉल्वेंट क्या हो गया, आपके पास वॉटर हो गया, ठीक है। अब आप इस दूसरे एग्जाम्पल के अंदर देखो, दूसरे एग्जाम्पल में मैंने क्या किया, 5 ml मिथेनॉल, 5 ml आपने मिथेनॉल लिया और 500 ml आपने वाटर लिया। इस बार दोनों ही चीजें आपने किस में ली है, लिक्विड स्टेट में ली है, ये 5 ml है और ये 500 ml है, तो आप देख सकते हो इसकी क्वांटिटी ज्यादा है, इसकी क्वांटिटी क्या है, ज्यादा। हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, कि कौन ज्यादा होगा कौन कम होगा। ये ज्यादा है तो मेरे पास ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया, और इसकी क्वांटिटी कैसी, मेरे पास कम है, तो ये मेरे पास क्या होगा, आपका सॉल्यूट हो गया, ठीक है। तो ये सॉल्यूट है और आपके पास ये क्या है, एक सॉल्वेंट है।
ठीक है, तो सॉल्यूट इसके अंदर क्या था, इथेनॉल, और आपके पास सॉल्वेंट क्या था आपका, वाटर था। ठीक है, ठीक है भाई, तो आप इसका आंसर बताओ भाई चैट ऑप्शन के अंदर, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, दिव्यांशु का आंसर ठीक है, तान्या का आंसर भी ठीक है, सक्षम का आंसर भी ठीक है, आयुष का आंसर भी ठीक है, अक्षत का आंसर भी ठीक है। बाकी भाई, बाकी भजन कीर्तन करने बैठे हैं। यश आंसर बताओ। प्रवीण ठीक है, तो मैंने अभी अभी बताया आपको कि सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है ना, सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। तो ये आपका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा आपके पास होमोजीनियस। ठीक है, होमोजीनियस मिक्सचर आपके पास क्या होता है, सॉल्यूशन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इसका आंसर बताओ भी, कि अगर आपके पास होमोजीनियस बोला गया है तो इसका क्या मतलब आता है, इस बात से आप क्या समझते हो। तन्या का आंसर ठीक है, आयुष का आंसर भी ठीक है, अक्षत का आंसर, अक्षत ठीक है, तो इसका आंसर आपके पास आता है यूनिफॉर्मिटी। ठीक है, कि आपका पूरा सॉल्यूशन कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा। ठीक है, पूरा सॉल्यूशन आपके पास कैसा होगा, यूनिफॉर्म होगा, कि ऊपर जो प्रॉपर्टीज है नीचे भी प्रॉपर्टीज क्या होंगे आपकी, सेम ही प्रॉपर्टीज होंगी। इसका आंसर बोलो, बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन है ये, क्योंकि ये आपका एकदम बेसिक है। यश का आंसर ठीक है, तान्या का आंसर भी ठीक है, आयुष का आंसर भी ठीक है, बाकी भाई अक्षत का आंसर भी ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, सॉल्यूट, जो चीज कम अमाउंट में प्रेजेंट होती है वो मेरी सॉल्यूट है। चलो इसका आंसर बताओ फटाफट। ठीक है, सक्षम का आंसर ठीक है, तान्या का ठीक है, आयुष का ठीक है, यश का ठीक है, अक्षत का ठीक है, ठीक है। तो यहां पर क्या है, जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होती है दैट इज सॉल्वेंट। ठीक है, आपके पास नॉर्मल सी बात है, जो भी चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगी मेरे पास उसको मैं क्या बोलूंगा, सॉल्वेंट बोलूंगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर साफ चीजें दिखाई देती हैं कि भाई मैं सॉल्वेंट मेरे पास के जो चीज ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो तो मैं देख सकता हूँ 5 ग्राम तो शुगर है बट 5000 ml वाटर है। डेंसिटी ऑफ वाटर मेरे पास कितनी होती है, 1 g/ml होती है। ठीक है, तो मैं यहां से सीधा कह सकता हूँ भाई जो इसका मास होगा वाटर का वो मेरे पास क्या होगा, 5000 g होगा। ये 5000 g है और ये 5 g है, तो वाटर का मास ज्यादा है इसलिए मेरे पास सॉल्वेंट ये हो गया और सॉल्यूट मेरे पास क्या हो गया, शुगर हो गई। ठीक है, मैं किसको बोलूंगा कि ये मेरे पास एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, उस चीज को आप वाटर के अंदर मिक्स कर रहे हो तब, अल्कोहल में मिक्स कर रहे हो तब, बेंजीन में या फिर क्लोरोफॉर्म में। ठीक है, दिव्यांशु का आंसर ठीक है, अक्षत का आंसर भी ठीक है, यश का भी आंसर ठीक है, तान्या का आंसर भी ठीक है। तो आप कभी भी कोई चीज को लेके जब आप वाटर के अंदर उसको ऐड कर रहे होते हो ना, तब उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि वो उसका एक्वस सॉल्यूशन है। आपने कोई भी चीज ली उसको आप पानी में ऐड करोगे तो वाटर एज अ सॉल्वेंट जब भी एड करेगा इट विल बी एन एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है ना, वो आपके पास क्या होगा, एक एक्वस सॉल्यूशन की तरह होगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया मेरे पास, सीधा सीधा इसका आंसर ए आ गया। ठीक है ना, वाटर एज अ सॉल्वेंट।
अब हम लोग बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशंस की, कि सॉल्यूशंस को मैं कितने पार्ट पे क्लासिफाई कर सकता हूं। ठीक है, ठीक है, देखो भाई सॉल्यूशन के दो टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। एक तो उसके अंदर कितने कंपोनेंट्स हैं, अगर दो कंपोनेंट है मतलब एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट है तब, या फिर उसके अंदर तीन कंपोनेंट्स है तब क्या बोलेंगे, उसको चार कंपोनेंट्स है तब क्या बोलेंगे। तो जब उसके अंदर मेरे पास आप दो चीजों को ऐड कर रहे हो तब वो मेरे पास जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन, और उसको बाई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, और जब तीन आप चीजें ऐड कर रहे होते हैं तब उसको हम टर्शियरी बोलते हैं, और जब आपके पास चार आप ऐड कर रहे हो तो उसको आप क्वार्टनरी बोलते हैं और क्वार्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एक तो होता है जिसके अंदर कितने नंबर ऑफ कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, इस बेस के ऊपर हम लोग इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, बाइनरी, टर्शियरी और आपके पास क्वार्टनरी, ये तीन आपके पास चीजें हैं जब आप नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट्स की बात। जब एक नंबर ऑफ कॉम्पोनेंट होगा तो हम उसे कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि या तो वो सॉल्यूट होगा या फिर वो क्या होगा सॉल्वेंट होगा। तो क्योंकि मेरे पास सॉल्यूशन क्या होता है, इट इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। अब जब दो चीजों को मिलाओगे, टू ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स, दो या दो से ज्यादा चीजों को जब आप मिलाओगे तब आपका सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अगर आप सिर्फ दो चीजें मिला रहे हो दैट विल बी ए बाइनरी, अगर आप तीन चीजें मिला रहे हो तो टर्शियरी, और अगर आप चार चीजें मिला रहे हो तो वो आपके पास क्या होगा क्वार्टनरी होगा। ठीक है, और दूसरा क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, कि भाई जो मेरे पास सॉल्यूट है एंड मेरे पास जो सॉल्वेंट है उनका फिजिकल स्टेट क्या होगा, मतलब क्या वो मेरे पास सॉलिड होंगे या मेरे पास लिक्विड होंगे या फिर मेरे पास गैस होंगे। ठीक है ना, तो एक क्लासिफिकेशन इनके बेसिस पे किया जाता है कि आपके पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट का क्लासिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड क्लासिफिकेशन की तरफ बढ़ेंगे जहां हम लोग फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट की बात करते हैं। सॉल्यूट, ये मैंने सॉल्वेंट लिखा, टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा, अगर मैं सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाऊंगा तो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा, और उसका एग्जांपल्स की बात करेंगे। अगर मेरे पास सॉल्यूट गैस है, ठीक है ना, और सॉल्वेंट भी गैस है, मतलब आप क्या कर रहे हो, एक गैस के अंदर दूसरी गैस को मिला रहे हो। ठीक है ना, हो सकते हैं यहाँ पर एक गैस का अमाउंट कैसा हो मोर, ज्यादा हो, और दूसरी गैस का अमाउंट कैसा हो कम हो। ठीक है, तो जिसका ज्यादा होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगी यहाँ पर सॉल्वेंट हो जाएगी, और जिसका अमाउंट कम होगा वो मेरे पास क्या हो जाएगा सॉल्यूट हो जाएगा। अब जब एक गैस दूसरी गैस से मिलती है तो आप खुद ही सोचो, जो एयर एग्जाम्पल इसका अच्छा खासा ना, क्योंकि एयर में ऑक्सीजन एड होती है नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी प्रेजेंट होती है, तो बहुत सारी गैसेज एक दूसरी गैसेज के साथ मिक्स हो रही होती है। तो जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनता है मेरे पास जब एक गैस दूसरी गैस से मिलती है तो उसे हम लोग कहते हैं गैस इन गैस, क्योंकि आप एक गैस को दूसरी गैस के अंदर डिसॉल्व करने जा रहे हो, तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनता है गैस इन गैस। ठीक है ना, एग्जांपल के लिए सबसे अच्छा एग्जांपल मेरे पास क्या होता है इसका, एयर होता है। ठीक है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना, क्योंकि एयर के अंदर बहुत सारी चीजें प्रेजेंट है। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लोग बात कर रहे हैं जब आप लिक्विड ले रहे हो। ठीक है ना, आपने क्या लिया, लिक्विड लिया, और इस लिक्विड के अंदर आप मिला रहे थे गैस को। ये मेरे पास लिक्विड था और लिक्विड के अंदर आपने क्या मिला दिया, गैस मिलाई। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या मिलेगा, आप गैस मिला रहे हो किसके अंदर, लिक्विड के अंदर, तो ये बन जाएगा गैस इन लिक्विड। ये क्या बन जाएगा, गैस इन लिक्विड, क्योंकि आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। और एग्जांपल कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं हम लोग, तो वैसे तो कोल्ड ड्रिंक कैसी होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, बट उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ गैसेस ऐड की जाती है, जो कि आप अगर उस कोल्ड ड्रिंक की बोतल को शेक करोगे और खोलोगे तो क्या होता है, एकदम से कोल्ड ड्रिंक बाहर निकलती है। क्यों, क्योंकि प्रेशर रिलीज कर रहे हो आप। ये ना क्या कर रहे हो आप, ये मेरी कोल्ड ड्रिंक की बोतल समझो, अब इसके अंदर गैस आपने क्या किया था, प्रेशर के साथ फिल कर रखी है, तो ढक्कन खोलते ही आप जैसे ओपन करोगे तो क्या होगा, गैस बाहर निकलने की कोशिश करेगी, तो गैस के साथ थोड़ी बहुत लिक्विड भी आपका क्या होता है बाहर आ जाता है। ठीक है, तो इसका अच्छा एग्जांपल है मेरे पास एक कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल, आप देख सकते हो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, गैस इन लिक्विड, क्योंकि आप गैस को डिसॉल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर। और
आपके पास एग्जाम्पल ऑक्सीजन इन वाटर, ठीक है ना। अब जो समुद्र होता है उसके अंदर क्या होता है आपके पास, वहां पर मछली भी होती है, ठीक है ना, बहुत सारी चीजें हैं। वो लोग क्या करते हैं, आपके ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व होती है तो उसी ऑक्सीजन से जिंदा रहते हैं, ठीक है ना। जो ऑक्सीजन वाटर के अंदर डिजोल्व है उसकी वजह से, और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो कि मेरी कोल्ड ड्रिंक ही है, ठीक है। अब गैस इन सॉलिड, आप गैस को डिजोल्व करने वाले हो सॉलिड्स के अंदर, ठीक है ना। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन क्या बनेगा, गैस इन सॉलिड। एग्जाम्पल की बात करेंगे तो हम लोग एडसॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय निकल प्लेटिनम और पैलेडियम, ठीक है ना। ये चीज में मैं आपको समझा देता हूँ। होता क्या है कि जो मेरे पास पैलेडियम की सरफेस होती है, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार से होती है, ठीक है, ये पैलेडियम की सरफेस है। ये लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन गैस को ना अपनी सरफेस पे एड्सॉर्ब कर लेते हैं, अपनी सरफेस पे क्या कर लेते हैं, एड्सॉर्ब कर लेते हैं। एड्सॉर्ब मतलब उसको पकड़ के रखते हैं। एक चीज होती है एब्सॉर्ब, ठीक है ना, और एक होती है एड्सॉर्ब, दोनों में फर्क है, ठीक है ना। एब्सॉर्ब मतलब आप ये सोचो क्या हो रहा है, आप जब एब्सॉर्ब करने की बात कर रहे हो तो आपने है ना एक स्पंज लिया, स्पंज को पानी में डाल दोगे तो जब आप स्पंज को बाहर निकालोगे तो आप देखोगे स्पंज की जितने भी पोर्स है सबके अंदर वाटर होगा, क्योंकि वाटर अब अंदर जा चुका है पूरा ना, अच्छे से हर चीज गीली हो चुकी होगी, तो वो एब्सॉर्ब है। एब्सॉर्ब का मतलब क्या है, आपने एक चौक लिया, ठीक है ना, एक रेड इंक थी यहाँ पर, इंक है कोई भी रेड इंक मान लो, उसके अंदर आपने चौक को डाला और जस्ट बाहर निकाल लिया, तो चौक तो आपका रेड कलर का हो जाएगा, ठीक है ना, चौक आपका रेड कलर का हो जाएगा, बट जब अंदर से तोड़ोगे तो चौक आपको व्हाइट मिलेगा, क्योंकि वो जो रेड इंक हो गई चौक के सिर्फ आउटर मोस्ट सरफेस पे प्रेजेंट है, अंदर तक नहीं गई है। तो दैट इज द सेम थिंग, इसको बोलते हैं हम एड्सॉर्प्शन, कि भाई बाहर वाली सरफेस पे प्रेजेंट है बट वो अंदर तक नहीं गई है। तो ये जो मेरे पैलेडियम की सरफेस है इस पे हाइड्रोजन गैस क्या होती है, एड्सॉर्ब होती है, मतलब सरफेस के बाहर ही प्रेजेंट होती है इस तरह से, बट इससे अटैच्ड होती है, ठीक है। तो एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन बाय निकल और पैलेडियम, सरफेस इनको एड्सॉर्ब करते हैं। इस चीज के ज्यादा डिटेल में आप लोग पढ़ते हो जब हम लोग सरफेस केमिस्ट्री पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। चलो अब हमने तीनों चीजों के एग्जाम्पल देख लिए, जब मेरा सॉल्यूट आपके पास कैसा था, सॉलिड था, लिक्विड था और गैस था। अब हम आगे बात करते हैं, सॉल्यूट इस बार मेरा लिक्विड है और सॉल्वेंट मेरी गैस है, मतलब आप है ना गैस के अंदर लिक्विड मिलाना चाह रहे हो, ठीक है ना, कि आपके पास ज्यादा अमाउंट में गैस प्रेजेंट है और लिक्विड आपके पास क्या है, थोड़े कम अमाउंट के अंदर प्रेजेंट है। तो इसका एग्जांपल सीधी सी आपके पास ये होगा कि आपने देखा है जब ह्यूमिडिटी होती है, बारिश का मौसम होता है ना, तो हवा के अंदर ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, उसका मतलब हवा के अंदर वॉटर का परसेंटेज क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। वॉटर मेरे पास कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। वाटर लिक्विड में है बट एयर के अंदर प्रेजेंट होता है तो सॉल्वेंट हो गई गैस, क्योंकि एयर का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू वाटर, ठीक है। तो सॉल्यूट मेरी लिक्विड हो गई, गैस आपके पास क्या हो गया, सॉल्वेंट। और जब टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात करें तो आप लिक्विड को गैस में डिजोल्व कर रहे हो, इसलिए लिक्विड इन गैस। और इसका एग्जाम्पल आपके पास इवापोरेशन की बात कर लो आप, ठीक है। इवापोरेशन में भी क्या होता है, वेपर्स मेरी जारी होती है किसके अंदर, एयर के अंदर, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब सॉल्यूट मेरा लिक्विड ही है बट सॉल्वेंट भी मेरा लिक्विड है, आप लिक्विड को लिक्विड में मिला रहे हो, नॉर्मल सी बात है, आप दूध में पानी मिला दो, ठीक है ना, क्योंकि लिक्विड लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, तो इसको टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनता है लिक्विड इन लिक्विड। और एग्जांपल आपके पास अल्कोहल पानी में डाल लो, सेम चीज है, ठीक है ना, क्योंकि आपके पास पता है अल्कोहल के अंदर पानी ऐड किया जाता है, तो उसके अंदर भी अल्कोहल भी लिक्विड स्टेट में होती है और वाटर भी आपके पास क्या होता है, लिक्विड स्टेट के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर लिक्विड को आप मिला रहे हो सॉलिड्स के अंदर, ठीक है ना, लिक्विड्स को किसके अंदर मिला रहे हो आप, सॉलिड्स के अंदर। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन बनता है लिक्विड्स इन सॉलिड्स, ठीक है ना। एग्जांपल अब मर्क्यूरी जो है, मेरे को पता है मर्क्यूरी मेरे पास कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है मेरा मेटल ही, बट किस स्टेट में होता है, लिक्विड स्टेट में। तो अगर आप उसको सिल्वर के साथ मिलाओगे, सिल्वर सॉलिड है, मेरे को पता है अमलगम का फॉर्मेशन होगा, क्योंकि मर्क्यूरी मेरे पास क्या है, लिक्विड स्टेट में, और सिल्वर मेरे पास सॉलिड में होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन जो होगा सिल्वर अमलगम, वो क्या होगा, लिक्विड इन सॉलिड का एक एग्जांपल होगा, इस तरह से दिखता है। सॉलिड्स को मिला रहे हो आप गैस के अंदर, ठीक है ना। आप खुद ही अज्यूम करो कि मेरे पास गैस है, हवा है, और उसके अंदर सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। तो आपने देखा होगा डस्ट पार्टिकल जो होते हैं, हवा, मिट्टी, ये सब कैसे होते हैं, डस्ट पार्टिकल्स हैं।
तो ये हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, हवा के अंदर क्या होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो इसका मेरे पास बनता है टाइप ऑफ सॉल्यूशन सॉलिड इन गैस, क्योंकि सॉलिड प्रेजेंट है मेरे पास इसके अंदर, गैस के अंदर प्रेजेंट है। एग्जांपल आयोडीन आपके पास है, या फिर इवापोरेशन ऑफ कैम्फर, कैम्फर क्या होता है, सब्लिमेशन होता है उसका, कैम्फर वही आपकी कपूर की गोली है ना, जो मम्मी आपके पास कपड़ों के अंदर रख देती है, विंटर के जो कपड़े होते हैं उन सब के अंदर, क्योंकि वो क्या करते हैं, वो सॉलिड है, उसका सीधा सब्लिमेशन होता है, वो लिक्विड स्टेट में आता ही नहीं है। आपके पास थोड़ी सी हीट मिली, थोड़ी सी हीट मिलते वो क्या करेगा, सीधा गैसीय स्टेट में जाता है। तो सॉलिड से किस में जा रहा है, गैस के अंदर जा रहा है, तो सॉलिड इन गैसेस है, ठीक है ये। अब अगर आप कपूर की गोली शादी इसमें पूजा में भी यूज की जाती है, ठीक है, तो आप उसको कभी भी फायर लगा के देखना, वो सीधी सॉलिड से होती है और सीधा किसके अंदर जाती है, उसमें आग लगती है और सीधा गैसेस में चली जाती है, लिक्विड स्टेट उसका बनता ही नहीं है। सॉलिड मिला रहे हो आप किसके अंदर, लिक्विड के अंदर। अभी हमने देखा था आप पानी के अंदर सॉल्ट मिला रहे थे और शुगर मिला रहे थे, सॉलिड इन लिक्विड इसका टाइप होगा। और एग्जांपल की बात करें तो शुगर और सॉल्ट सॉल्यूशन की बात कर सकते हैं, जो भी हमने देखा था। सॉलिड के अंदर सॉलिड मेटल अलॉयज, ठीक है ना, ब्रास बनता है आपके पास, स्टील बनती है, इतने सारे अलॉयज बनते हैं मेटल्स के, तो एक मेटल को दूसरे मेटल के साथ मिक्स किया जाता है। मेटल पहले वाला भी सॉलिड होता है, दूसरे वाला भी सॉलिड ही होता है, तो सॉलिड इन सॉलिड मेटल अलॉयज के एग्जांपल है अपने पास, ठीक है, जैसे ब्रोंज है। चलो भाई अब बात आती है क्वेश्चन की, आंसर बताओ। चैट ऑप्शन में आ जाओ फटाफट। सोडा वाटर जो है मेरे पास तो क्या है, ठीक है, तान्या का आंसर नहीं, आयुष अब टाइप ऑफ सॉल्यूशन बताओ ना, कि गैस होगी लिक्विड में, लिक्विड होगा गैस के अंदर, सॉलिड होगा गैस में, क्या होगा। तान्या का आंसर ठीक है, आयुष आप वापिस से देखो, सक्षम आप भी वापिस से देखो, यश का आंसर ठीक है, अक्षत का आंसर ठीक है, सक्षम का आंसर ठीक है। टाइप ऑफ द सॉल्यूशन आपसे पूछा गया है ना, तो नॉर्मल सी बात है गैस इन लिक्विड होगा, ये मेरे पास क्या होगा, गैस इन लिक्विड, ठीक है, जिसके अंदर आपके पास क्या होती है, CO2 गैस को बहुत ही ज्यादा प्रेशर पे वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जाता है। ब्रोंज आपके पास कैसे बनते हैं, अभी मैंने आपको बताया था, बताओ भाई, ठीक है दिव्यांशु का आंसर ठीक है, आयुष फिर गलती कर रहे हो, आपसे पूछा टाइप ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है अब आपका आंसर ठीक है आयुष, तान्या का आंसर भी ठीक है। ठीक है तो मेटल मेटल को दोनों को मिक्स करेंगे, मतलब सॉलिड सॉलिड को मिलाएंगे, तब मेरे पास क्या बनता है, ब्रोंज बनता है। और ब्रोंज के अंदर क्या होता है, कॉपर एंड टिन प्रेजेंट होती है, उन दोनों का होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उससे मेरे पास ब्रोंज बन रहा होता है। ब्रास भी क्या होता है आपके पास, सेम, ठीक है ना, आप क्या मिला रहे होते हो, एक सॉलिड को दूसरे सॉलिड के अंदर मिला रहे होते हो, तब आपके पास ब्रास बनती है। पर यहां पर आप कॉपर एंड जिंक को मिक्स कर रहे होते हो एक दूसरे के साथ, ठीक है, वहां कॉपर टिन था, यहां कॉपर जिंक है। जर्मन सिल्वर भी आपके पास सेम चीज है, सॉलिड इन सॉलिड टाइप है। देखो ये क्या होता है ना, जर्मन सिल्वर जो है ये, अब आपके नाम पे इसमें सिल्वर लिखा हुआ है, तो लोग अच्छे खासे कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर ना, सोचते होंगे भाई सिल्वर एक कंपोनेंट तो हो गई, बट ऐसा नहीं होता, इसके अंदर आपके पास कॉपर जिंक और निकल प्रेजेंट होता है, इन तीनों का होमोजेनियस मिक्सचर बनता है। ये आपके पास मेनली यूज किया जाता है ना, जैसे आप देख सकते हो फोटोग्राफ में ना, यूटेंसिल्स के लिए काफी ज्यादा यूज किया जाता है ये मेरे पास, ठीक है। अभी एमसीक्यू है, मेटल अमलगम है, अमलगम मतलब उसके अंदर मर्क्यूरी प्रेजेंट होगा, ठीक है, जल्दबाजी नहीं करनी है, सोच समझ के आंसर देना।
मर्क्यूरी कैसा होता है, लिक्विड स्टेट में प्रेजेंट होता है। अब देखो घूम गए ना, कोई सी कोई डी। ठीक है, तो इसका आंसर है डी। ठीक है, क्योंकि आप क्या कर रहे होते हो, लिक्विड को डाल रहे होते हो सॉलिड्स के अंदर, ठीक है ना, मर्क्यूरी को मेटल्स के साथ ऐड कर रहे होते हो। ये तो अभी मैंने आपको बताया। चलो इस तरीके से पूछ लेते हैं अगर एग्जाम में आ गया तो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया आपके पास, बाइनरी सॉल्यूशन आपका। ठीक है, क्योंकि बाइनरी मतलब दो चीजें मिल ऐड हो रही है, वाटर भी होगा इसके अंदर और साथ साथ में आपके पास क्या है, सोडा भी है, CO2 गैस भी प्रेजेंट होगा। सब्लिमेशन से क्या बनता है, ठीक है, दिव्यांशु का आंसर ठीक है, सक्षम को भी ठीक है, तानिया का भी ठीक है, अक्षत का भी ठीक है, आयुष का भी ठीक है। ठीक है ना, सॉलिड गैस, सॉलिड में प्रेजेंट होता है मेरे पास कैम्फर, हीट करते सीधा गैस के अंदर। ठीक है, सब्लिमेशन प्रोसेस है। फटाफट, तन्या का आंसर ठीक है, आयुष का आंसर ठीक है, दिव्यांशु का आंसर ठीक है, अक्षत का आंसर ठीक है, चार लोगों का आंसर आ गया। फटाफट बाकी भी निकालो भाई। सक्षम का आंसर, सक्षम पिटेगा तू मेरे से, देख आंसर देख वापिस से। आप शुगर को ऐड कर रहे हो वाटर के अंदर, यश आंसर बताओ आप। सक्षम का आंसर ठीक हो गया। आप दिव्यांशु, प्रवीण, यश, दोनों यश, मिश्रा भी और सिंह भी, प्रत्युष, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है मेरे पास, डी आंसर है। ठीक है, तो यहां पर एक ये स्लाइड अपनी कंप्लीट हो जाती है। 5 मिनट का आप रेस्ट ले लो, फिर वापस से सेम मीटिंग आईडी पे ज्वाइन करना आप। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग इसके आगे की बात करेंगे, कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। सारी जितनी भी कंसंट्रेशन टर्म्स है वो सारी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ, फटाफट एग्जाम्पल्स के साथ भी। ठीक है, और इसके अंदर क्वेश्चन भी आते जाएंगे तो आपका रिवीजन भी फटाफट होते जाएगा। ठीक है,